संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा आज, लेकिन संसद के बजट सत्र में तेज हंगामे होने के पूरे पूरे आसार हैं। कांग्रेस की अगुवाई में 16 विपक्षी दलों ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए राष्ट्रपति के संसद के संयुक्त संबोधन का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने 16 विपक्षी पार्टियों के साझा फैसले की घोषणा की। कांग्रेस के अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने वाली प्रमुख पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, माकपा, भाकपा और राजद शामिल हैं। इनके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईयूएमएल, आरएसपी, पीडीपी, केरल कांग्रेस और ऐसी अलग अलग कई छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय घटक पार्टियां हैं जो कांग्रेस को अपना साथ दे रहे हैं किसान आंदोलन के समर्थन में। तो बजट सत्र पहले दिन आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा और हंगामे होने के आज पूरे आसार हैं।